दोस्तों जानवर ऐसे जीव होते हैं जिनको हम कितना भी पढ़ ले पर उनके हर एक बर्ताव को हम नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि चिंपैंजी के डीएनए हमसे लगभग 90% तक मिलते हैं, लेकिन उन्हें भी हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। आज हम आपको इन जानवरों के ऐसे ही कुछ बर्ताव दिखाने वाले हैं जिनको जानकर आप जरूर चौंकने वाले हो। ये वीडियो सबसे अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे जरूर पूरा अंत तक देखें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पर है मरूला फ्रूट। दोस्तों ये जंगल के सारे जानवर अपने हर रोज की जिंदगी जीकर बोर हो गए थे, यहाँ तक कि इन्होंने जगह और मादाओं के लिए लड़ना भी बंद कर दिया था। पर इसी बीच ये सारे जन इंतजार कर रहे थे मरूला के पेड़ पर उसके फल लगने का। जब ये फल नए नए आते हैं तब वो काफी स्वादिष्ट होते हैं, पर हाथी जैसे ताकतवर जानवर और बंदर के पेड़ चढ़ने के स्किल वाले जानवर ही इन्हें खा पाते हैं। पर कुछ हफ्तों बाद मरूला के ये फल ज्यादा पक जाते हैं और पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं। तब सारे जानवर इन पर टूट पड़ते हैं और इन्हें खाने लगते हैं, पर इन्हें शायद ये पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर में ये फल उनके पेट में फर्मेंट यानी सड़ना शुरू कर देते हैं और ये अल्कोहल यानी शराब में तब्दील हो जाते हैं, और घर जाते वक्त इन जानवरों का स्वभाव बदल जाता है। जो शराब इनके पेट में बन रही थी वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, नशा दोनों को एक जैसा ही चढ़ता है। इनका बर्ताव देखकर हंसी रोक पाना सच में काफी मुश्किल काम है, पर ये नींद उनके सालों में एक नींद ऐसे होगी जहां वो बिना शिकारी से डरे चैन से सो पाए होंगे। लेकिन जो अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो पहले जितना मजेदार नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लापरवाह लोग सिर्फ मजाक के लिए लंगूर को शराब पिला रहे हैं। ये शराब इंसानों के लिए तो हानिकारक है ही, पर जानवरों के लिए और हानिकारक होता है क्योंकि इसमें काफी सारे केमिकल्स मिलाए हुए रहते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर कई सारे वीडियो भी मौजूद है जहां पर बंदरों को सिगरेट जलाकर दी जाती है और बंदर हमारी नकल करके उसे पी लेते हैं। ये घटनाएं जू यानी प्रणी संग्रहालय में काफी ज्यादा होती है। वहां पर देखने आए लोग बीड़ी या सिगरेट को जलाकर उनके पिंजरों में फेंकते हैं, इससे उन्हें ये सब पीने की आदत लग जाती है और वो फिर दूसरे लोगों से शराब और सिगरेट की मांग करने लगते हैं। दोस्तों आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर दो पर है लंगफिश। दोस्तों जब आप किसी मछली के बारे में सोचते हो तो दिमाग में एक ऐसी चीज आती है जो पानी के बाहर ज्यादा से ज्यादा एक घंटे तक जिंदा रह सकती है। पर आज हम आपको ऐसी मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिना पानी के 2 से 3 साल तक जिंदा रह सकती है। ये लंगफिश अफ्रीका में पाया जाता है और अफ्रीका में सूखा पड़ना काफी आम बात है और ये सूखा सालों तक चलता है। और ऐसे ही सूखे में बारिश न गिरने के कारण सारे तालाब और नदियां सूखने लगते हैं। ऐसे में सारी मछलियां मर जाती है, पर एक मछली पूरा पानी सूखने के बाद भी नहीं मरती। जब नदी का पानी पूरा सूख जाता है और सिर्फ गीला कीचड़ बचता है तब ये मछली अपने मुंह से इस कीचड़ में 10 से 15 सेंटीमीटर का होल गिराकर उसमें घुस जाती है और फिर अपने मुंह से एक ऐसा झाग छोड़ती है जो इसके पूरे शरीर पर चिपक जाता है। अभी ने बस अगली बार बारिश होने का इंतजार करना होता है। ये इंतजार सालों तक चल सकता है। खुद को जिंदा रखने के लिए ये अपने पूंछ के बॉडी फैट्स को खाने में तब्दील कर देते हैं। जब वो कीचड़ में घुसते हैं तब वो अपने जगह तक एक होल बनाकर रखते हैं ताकि उन तक हवा पहुंच सके। इस पूरे 1 से 3 साल के बीच ये मुंह से हवा लेते हैं। कभी कभार लोग इन्हें मिट्टी से उठाकर ईंटें बनाते हैं और उन ईंटों से ये अपने घर बना लेते हैं। लेकिन जब तेज बारिश होती है तो ये अपने आप मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं और देखते ही देखते ये आम मछली बन जाते हैं। नंबर तीन पर है लंगूर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे और साइंस ने इसे प्रूव भी करके दिखाया है, जो ये जताता है कि उनमें भी इंसानों की तरह ही भावनाएं होती है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था भारत के लंगूरों के साथ। उनके सामने एक रोबोट बंदर को रखा गया था। उसे अकेला देख एक मादा उसके पास आकर उसे बहलाने लगी।
आमतौर पर लंगूर के बच्चे अपनी माँ को काफी कसकर पकड़ते हैं, पर यह रोबोट होने के कारण वो उस मादा के हाथ से गिर जाता है। उसे न हिलता देख मादा को लगता है कि उसकी गलती की वजह से उस बच्चे की जान गई। वो उसे उठाकर रोने लगती है और फिर कुछ समय बाद वो उसे उठाकर ऊंची जगह पर जाकर रख देती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे वैज्ञानिक भी चौंक गए। सारे लंगूर उसके बाजू में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ जन उसे सूंघते हैं तो कुछ जन उसे हाथ लगाते हैं, और ये स्वभाव इंसानों की तरह ही है, जहाँ पर जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सब जन एक आखिरी बार उसके बॉडी के बाजू में इकट्ठा हो जाते हैं। सच में ये जानना मुश्किल है कि इस प्रकृति ने अपने में और कितने सारे राज छुपा रखे हैं। नंबर 4 पर है अफ्रीकन बुलफ्रॉग। दोस्तों आमतौर पर जानवरों में नर बच्चे पैदा करने में अपनी मदद करने के बाद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, जहां बाद में मादा उनकी देखभाल करके उन्हें बड़ा करती है। पर अफ्रीकन बुलफ्रॉग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मादा अंडे देने के बाद उसे छोड़कर चली जाती है और नर उनकी देखभाल करता है। गर्मी के मौसम में मेंढक इन अंडों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे ही गर्मी की वजह से वहाँ का पानी बाव बन के कम होने लगता है। यदि ये और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहेगा तो पानी पूरी तरह से सूख जाएगा और सारे बच्चे मर जाएंगे। इसीलिए नर बुलफ्रॉग उनके छोटे से पानी के पॉन्ड को एक बड़े पानी के पॉन्ड से जोड़ता है, जिसके लिए वो अपने ताकतवर पैरों का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, बड़े पानी के रिजर्वर में ले जाने के बाद भी वो उनके साथ ही रहता है और उन्हें सांप और अन्य शिकारी जानवरों से बचाता है। आपको बता दें कि ये मेंढक हमारे आम मेंढकों जैसा नहीं है। ये उनसे 5 गुना बड़ा और वजन में 1 से 3 किलो तक का होता है, इसीलिए इनका शिकार करना कोई आम बात नहीं है। और बड़े होने के कारण ये शिकार भी बड़े करते हैं। ये कीड़े मकोड़ों के साथ साथ चूहों को भी खा लेते हैं। सच में किसी ने सोचा नहीं था कि ये मेंढक भी इतने खतरनाक हो सकते हैं।